अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मेहताब अली एंड वी आर डिस्कसिंग पॉइजन एक्ट 99। नाउ सेक्शन नंबर 3 ऑफ द पॉइजन एक्ट इज़ अबाउट पावर टू प्रोहिबिट इम्पोर्टेशन इन टू पाकिस्तान ऑफ एनी पॉइजन अंडर लाइसेंस। देखिए, गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी पॉइजन की जो इम्पोर्टेशन है ना, उसके लिए वो सख्ती से मना कर सकती है। अगर वो इम्पोर्टेशन जो है वो इलीगल है, अगर वो इम्पोर्टेशन ऑफ द पॉइजन जो है वो बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन, बिना किसी टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो करते हुए हो रही है, बिना किसी इवन लाइसेंस के थ्रू हो रही है ना, तो उसके ऊपर जो है ना गवर्नमेंट सख्ती से मना कर देती है। इस तरह से जो है कोई इम्पोर्टेशन ऑफ द पॉइजन नहीं होने वाली पाकिस्तान के अंदर। जिस चीज़ के लिए फेडरल गवर्नमेंट परमिशन दे रही है ना, उसी चीज़ की, उसी पॉइजन की जो है ना इम्पोर्टेशन होगी, और वो भी लाइसेंस के थ्रू होनी है, बगैर लाइसेंस के थ्रू नहीं होनी। ठीक है ना। देखिए, पॉइजन जो है ना, पॉइजन ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। बाकी जो हमारे मेडिसिंस हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है और बहुत डेंजरस चीज़ है, इवन डेंजरस ड्रग से भी ज़्यादा डेंजरस है। पॉइजन की हैंडलिंग, पॉइजन की ट्रांसपोर्टेशन, पॉइजन की जनाब स्टोरेज क्राइटेरिया, पॉइजन की इम्पोर्टेशन बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह से पॉइजन तभी इम्पोर्ट ही हो सकता है पाकिस्तान के अंदर जब उसका लाइसेंस हो, और जब जो है ना वो प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करें, जब वो प्रॉपर टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग्स अगर इम्पोर्ट हो रही है ना, तो इट्स फाइन, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो ये जो टर्म्स और कंडीशन है या फिर ये जो लॉज है ना, ये काम है फेडरल गवर्नमेंट का कि वो बना लें, लेकिन लिहाजा जो इम्प्लीमेंटेशन है ना ऐसे लॉज की प्रोवेंस के अंदर, वो प्रोवेंशियल गवर्नमेंट का काम होता है। ठीक है। राइट नाउ फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन, फेडरल गवर्नमेंट जो है ना नोटिफाई करती है ऑफिशियल गजेट के अंदर कि मना किया जाए जो है ना जो बगैर लाइसेंस के थ्रू इम्पोर्ट हो रही है पॉइजन की, और बिना किसी टर्म्स और कंडीशन के फॉलो करते हुए अगर इम्पोर्ट हो रही है ना, तो उसकी फिर सख्ती से मना है। लेकिन एक्सेप्ट अंडर एंड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस, अगर लाइसेंस की कंडीशंस और टर्म्स और कंडीशन के ऊपर, लॉज के ऊपर जो है इम्पोर्ट हो रही है ना किसी चीज़ की पाकिस्तान के अंदर, तो इट्स फाइन, और वो भी किसी मखसूस जो है ना एरियाज के अंदर। ठीक है। जिनके लिए गवर्नमेंट जो है ना हमें परमिशन देती है, और वो भी स्पेसिफाइड पॉइजन की इम्पोर्ट होनी चाहिए। अगर स्पेसिफाइड पॉइजन नहीं है, जिस चीज़ के लिए लाइसेंस है उस चीज़ का पॉइजन नहीं है, पॉइजन लाइसेंस के अलावा जो है ना वो मंगवाया गया है, तो इसके ऊपर जो है ना वो सख्ती से मना भी है और इसके ऊपर पेनल्टी भी लगती है। आई थिंक सो सेक्शन 6 विल बी ऑफ पेनल्टी ऑफ अनलॉफुल इम्पोर्टेशन, उसके हवाले से हम पेनल्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।